हम भूगोल मतलब बीएड सेकंड ईयर की छात्राएं थी। 2018 में हमारे एग्ज़ाम हुए थे और 21 अगस्त को रिजल्ट आया था। उसके बाद में है ना, जब रिजल्ट आया तो उसमें हमें पता चला कि हमें फेल दर्शा दिया गया यूनिवर्सिटी से। तो हमारे कॉलेज में 10 नंबर का टेस्ट होता है, उसकी ओमार सीट कॉलेज के द्वारा है ना मानवीय भूल के कारण गलती से खाली आ गई। तो उसके बाद में जैसे उनको पता चला तो उन्होंने यूनिवर्सिटी में आके अपनी गलती जैसे स्वीकार करनी हो हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़े, लेकिन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उसके बाद ये सोच रहे हैं कि मतलब है ना कॉलेज वालों ने हमसे पैसे खाने चाहिए, ऐसा कोई मैटर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम रेगुलर गए हैं लेकिन ये जानबूझ के इसको कर नहीं रहे, और हमने भी इनसे रिक्वेस्ट कर ली थी, लेकिन ये छात्राओं के हित के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। और हमें 1 तारीख को तो साफ साफ मना कर दिया, और अब बोल रहे हैं कि डीम कमेटी में जो होगा वो करेंगे। हमें 8 महीने हो गए यहाँ भटकते हुए MDS यूनिवर्सिटी में। नहीं मानी जाती, आत्महत्या करोगे आप? नहीं भी करेंगे, बिल्कुल सर करेंगे। हमारे घर वाले परेशान हैं, समाज के द्वारा हमें टोंट कसे जाते हैं। 10 लड़कियाँ हैं सर हम इस मैटर में। के लिए आत्महत्या करोगे? बिल्कुल सर। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम उर्मिला चौधरी, हम कुचामन से हैं। पिछले बार 2018 के जो BED की परीक्षाएँ हुई उसमें हमने इस बार जो इंटरनल मार्क्स होते हैं हमने कॉलेजेस को ये कहा था, 3 चिट्ठियाँ हमने कॉलेजेस को दी हैं कि रिजल्ट निकलने से पहले आप जो भी बच्चों के इंटरनल मार्क्स हैं वो हमें इन प्रॉपर टाइम भेज दें, ताकि जब रिजल्ट प्रोसेसिंग हो इन सब के नंबर्स प्रॉपरली अपलोड हो जाएं और रिजल्ट प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत नहीं आए, कोई बच्चा एबसेंट ही नहीं हो। इसी क्रम में अराउंड 13 कॉलेजेस हैं जिनके करीबन 50-60 बच्चे हैं जिन्होंने इन चिट्ठियों की अवहेलना करते हुए उन्होंने उन कॉलेजेस ने रिजल्ट निकलने के बाद इनकी अवार्ड्स भेजे हैं। और क्योंकि नियमों में ये है कि रिजल्ट निकलने से पहले अगर जो भी अवार्ड्स आपके पास आ जाते हैं उनको हम सम्मिलित करते हैं, इस वजह से क्योंकि इनके रिजल्ट के बाद इन अवार्ड्स जो हमारे पास आए हैं उनको हम सम्मिलित नहीं कर पा रहे क्योंकि रूल्स में है कि वी कैनॉट यूज़ इट। तो इनका केस अटका हुआ है और इनको हमने एब्सेंट शो कर रखा है, पेंडिंग रख रखा है इन केसेस को। आज मीटिंग रखी है जो कमिटी बना रखी है कि उस पर ये क्या डिसीजन लेते हैं, हम इनके बच्चों का जो मेमोरेंडम आया उसको रख देंगे, पर क्योंकि रूल्स में है कि आप उसको ऐड नहीं कर सकते आफ्टर द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, सो हमारी तरफ से इसकी संभावना कम है। फिर भी जो डीन डिसाइड करेगा उस पर आगे कुछ लड़कियों ने आत्महत्या करने के लिए जिन बच्चों ने, देखिए ऐसा है कि जो ये प्रॉब्लम है ये कॉलेजेस की प्रॉब्लम है, कॉलेज ने किया, हम स्टूडेंट से हमारा कोई लिंक नहीं है क्योंकि कॉलेज ने ये किया। और अगर वो इस तरीके की चीज़ें जो बोल के गई हैं अगर ऐसा है तो मैं पुलिस प्रशासन से इनकी बाकायदा बाय नेम इनकी कंप्लेंट रखूँगा कि अगर इन्होंने आत्महत्या की तो इनकी जिम्मेदारी खुद की होगी, क्योंकि विश्वविद्यालय कहीं भी कहीं गलत नहीं है। विश्वविद्यालय ने अपने हिसाब से सही टाइम पर तीनों चीज़ें लेटर्स दे रखे हैं, और ये अगर ये कॉलेज की गलती है तो ये कॉलेज प्रशासन इसमें जिम्मेदार होगा, हम विश्वविद्यालय इसमें जिम्मेदार नहीं है। सर ये मामला कोई कोर्ट में भी चल रहा है? सर एक कॉलेज में कह रहे हैं पर उसकी तारीख 30 मई है। ठीक है सर, आपका परिचय? मैं प्रोफेसर दत्ता, कंट्रोल एग्जामिनेशन, MDS यूनिवर्सिटी।